हाय दोस्तों, जानने वाले हैं टॉप 10 लॉन्ग शॉर्ट राइड बाइक जिसे आप टूरिंग ट्रिपिंग जो है इजीली कर सकें एंड दोस्तों इंडियन रोड्स पे डिसेंट एंड अच्छी परफॉर्म भी देती हो, साथ ही साथ आपकी थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी हो, मतलब बजट फ्रेंडली भी रहे। एंड दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज बहुत सारी जो है इसमें मैं डिटेलिंग कवर करने वाला हूँ, जो कि आप अगर बाय करने प्लान कर रहे हैं कोई बाइक तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं क्या है मेरी टॉप 10 लिस्ट। दोस्तों नंबर 10 पे है यसडी की रोस्टर, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 1.98 लाख है दोस्तों। एंड दोस्तों में टोटल 3 कलर वेरिएंट्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर पावर की बात करें, इंजन की बात करें, तो 334 cc का इंजन आता है, 6-speed गियर है, 184 kg की बाइक आती है, 12.5 liter का टैंक मिल जाता है, सिटिंग हाइट डिसेंट है, 790 mm की मिल जाती है। एंड जो पावर प्रोड्यूस करता है इंजन वो है 20.29 hp का, जो कि बहुत ही सही है। एंड मैंने खुद इस बाइक को राइड किया हुआ, बहुत ही सही राइड है। मतलब बस थोड़ा सेटिंग पोस्चर जो है उसमें लेग जो है थोड़े ज़्यादा बेंड होते हैं। हालांकि इसमें अगर प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए, अगर गुड थिंग की बात की जाए, तो जो 300 cc का इंजन है वो पावर डिलीवरी बहुत ही अच्छा कर रहा है एंड रिफाइंड इंजन है। एंड इवन अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हैं तो डिसेंट कम्फर्ट जो है आपको ये बाइक देगी, इसमें अच्छे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों अभी इसका सेल जो है जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो मार्केट रिव्यू नहीं आया हुआ है। और साथ ही साथ यसडी का अभी जो है सर्विस रीच जो है, सर्विस सेंटर्स जो हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए जब इस सर्विस सेंटर ओपन हो जाए। हालांकि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो। दोस्तों नंबर 9 पे है जावा 42। एंड दोस्तों इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ह्यूज है। एंड दोस्तों अगर इसमें वेरिएंट्स की बात की जाए, टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, सिंगल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस एंड वर्जन 2.1। दोस्तों 1.67 lakh टू 1.93 lakh तक जो है इसका एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है। एंड दोस्तों अगर बात की जाए इसके इंजन पावर की, तो 293 cc का इंजन आता है, जो कि 35 kmpl की माइलेज आसपास देता है, 6-speed गियर है, 172 kg की ये बाइक है, 40 liter का टैंक आता है, सिटिंग हाइट जो है थोड़ी लो दी हुई है जो कि है 765 mm। अगर आपकी हाइट जो है 5.2-5.3 भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसकी जो ब्रांड की जो इमेज है ना वो बहुत ही सही है, 300 cc का अच्छा इंजन दे दिया है। एंड साथ ही साथ इसका डुअल चैनल एबीएस जो है, ग्रिपिंग जो है इस ब्रेकिंग की बहुत ही सही है। बट अगेन इसकी बिल्ड क्वालिटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। एंड इसमें वेटिंग पीरियड भी थोड़ा लंबा है, इवन सर्विस नेटवर्क भी थोड़ा सा कम है, इसके वजह से जो है लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर पा रहे उतना, इसीलिए इस बाइक की सेल्स नंबर जो है उतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे। हालांकि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट राइड्स के लिए तो इस बाइक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पे है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रीबॉर्न मॉडल, जो कि मोस्ट सेलिंग 350 cc बाइक है। दोस्तों इसमें टोटल आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिंगल चैनल एबीएस एंड ड्यूल चैनल एबीएस दोनों ही हैं इसमें। एंड दोस्तों 1.87 to 2.18 lakhs का जो है एक्स शोरूम प्राइस रेंज जो आपको उसमें देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इसमें जो रेटिंग दी है यूज़र रेटिंग वो 4.4 है, जो कि बहुत सही है। एंड बहुत सारे राइडर को जो नया मॉडल है, जो नया रीबॉर्न का जे इंजन है, वो बहुत ही पसंद आता है। तो इसमें जो इंजन आता है वो 349 cc का इंजन आता है, जो कि आपको 35 to 40 kmpl का माइलेज जो है देता है, 5-speed गियर है, 195 kg की हैवी बाइक है एंड 30 liter का टैंक आता है, सिटिंग हाइट जो है दोस्तों 805 mm है। अगर आपकी हाइट 5.4-5.5 भी है तो भी आप इस बाइक को ईजिली राइड कर सकते हैं, सिटिंग कम्फर्ट बहुत ही सही है। गुड थिंग और बैड थिंग की अगर बात की जाए तो इवन इंजन जो है कंपेयर टू ओल्ड इंजन अच्छा रिफाइनमेंट दिया गया है, टॉर्किंग इंजन जो है वो है, रेट्रो लुक जो है बाइक में अच्छा आता है। अगर आप सिटी राइड और लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो आप बिंदास इसमें राइड कर सकते हैं। इसका सर्विस नेटवर्क जो है बहुत ही वाइड है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं लॉन्ग राइड शॉर्ट राइड के लिए तो 365+ सर्विस सेंटर जो हैं इस रॉयल एनफील्ड के हैं, तो आपको सर्विस जो है कहीं से भी इजीली मिल सकती है। बट अगेन इसमें कुछ बैड थिंग भी है, एलईडी जो है बाइक में देना चाहिए था, एंड जो इंजन का जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा जो है कम लगता है कंपेयर टू 350 इंजन से, जो हमको करना चाहिए एक्सपेक्ट वो नहीं मिल पाता। मगर अगर आप प्लान कर रहे हैं सिटी राइड और लॉन्ग राइड की बाइक बाय करने के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन जो है आपके लिए है ये। दोस्तों नंबर 7 पे है यसडी की एडवेंचर बाइक, जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। इसमें 3 कलर ऑप्शन जो आपको मिल जाते हैं,
2.11 to 2.20 lakhs का जो है एक्शन प्राइस मिल जाता है। 4.8 रेटिंग जो है दी गई है, राइडर्स को इवन पसंद भी आ रहा है, जो नए बायर्स हैं उसको पसंद भी कर रहे हैं। एक मार्केट में अच्छा कंपटीशन जो है हिमालयन के सामने दिया गया, जस्ट कि लुक जो है हिमालयन जैसा ही किया गया। अगर इंजन पावर की बात की जाए तो 334 cc का इंजन आता है, 6-speed गियर दिए हुए हैं, 188 kg की बाइक है दोस्तों, 15.5 liter का टैंक दिया है जो कि एडवेंचर बाइक के लिए बहुत ही सही है। एंड 815 mm का जो है सिटिंग हाइट है, मतलब अगर आपकी हाइट 5.6 प्लस है तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। इंजन पावर जो है 29.7 hp का है, इंजन जो है अच्छा पावर डिलीवरी कर देता है, मतलब डिसेंट पावर डिलीवरी आपको मिल जाएगा, अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिल रहा है, साथ ही साथ जो है एडजस्टेबल स्क्रीन जो है इसकी दी गई है जो कि बहुत ही सही है। इसमें जो है ओनली 2 color ऑप्शन जो है अवेलेबल है मेनली। एंड एक चीज़ है कि इसका सर्विस रीच अगेन अभी एक फिंगर पॉइंटिंग करता है, क्योंकि सर्विस रीच भी कम है और लिमिटेड सेल्स भी है, इसके वजह से जो है यूज़र रिव्यू अभी सामने नहीं आ पाया, इसीलिए इसको 7 number पर रखा गया। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 6 पे है होंडा हाइनेस CB350 एंड CB350 RS। दोस्तों दोनों ही मॉडल जो हैं राइडर्स को बहुत ही पसंद आ रहा है, 4.4 रेटिंग के साथ में दोस्तों इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.92 to 1.98 lakh से जो है एक्शन प्राइस जो है स्टार्ट हो रहा है। एंड दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों इसमें सिंग ड्यूल चैनल ABS के साथ में अलॉयबल का ऑप्शन भी जो है वो दिया गया है। एंड दोस्तों अगर इंजन की बात की जाए तो 348 cc का इंजन आता है जो कि 35 kmpl के आसपास माइलेज दे देता है, 5-speed गियर है, 181 kg की हैवी डिसेंट हैवी बाइक है, 15 liter का टैंक मिल रहा है जो कि बहुत ही सही है, 800 mm का जो है सेटिंग हाइट है। अगर आपकी हाइट 5.5 है तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इंजन जो है होंडा ने इस पे बहुत अच्छा बैलेंस इंजन बनाया हुआ है, एंड डिसेंट फीचर के साथ में रेट्रो लुक के साथ में अच्छी बाइक जो है ओवरऑल लग रही है। एंड साथ ही साथ इसमें एग्जॉस्ट थंब जो है ना जब आप राइड कर रहे हो तो बहुत ही सही लगता है, बट इसमें कुछ कॉन्स भी हैं। पिलियन सीट पे प्रॉपरली वर्क नहीं किया गया, मतलब उसमें स्पेस जो है थोड़ा कम दिया गया है। एंड ये जो है बिग बिंग शोरूम से ही सेल हो रही है, इसलिए इसका लिमिटेड सेल्स जो हमको देखने को मिल रहा है ये नॉर्मल जो है होंडा के शोरूम पे नहीं मिल रही है, इसीलिए इसके सर्विस आप नॉर्मल जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे सर्विस करा सकते हैं होंडा के, बट आपको बाय करने के लिए बिग बिंग शोरूम से ही इसको बाय करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका सेल्स नंबर कम दिख रहा है और इसीलिए ये थोड़ा अंडर रेटेड बाइक जा रही है। हालांकि जो इसके यूज़र्स हैं वो इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है इसको दे रहे हैं, एंड 4.4 रेटिंग के साथ में मैं इस बाइक को 6 number रखता हूँ। नंबर 5 पे है बजाज की डोमिनार 400 cc मॉडल। एंड दोस्तों इस मॉडल की अपनी ही एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ही ज़्यादा जो है डोमिनार यूज़र टूरिंग ट्रिपिंग में आपको देखने मिल जाएंगे। एंड बजाज ने भी इस मॉडल पे बहुत ही अच्छी वर्किंग की हुई है, एंड टाइम टाइम इसको अपग्रेड भी किया हुआ है। एंड दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए 2.17 lakh एक्शोरूम प्राइस है, यूज़र रिव्यू जो है 4.6 दिया है जो कि बहुत ही सही है। एंड अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें 373 cc का इंजन आता है जो कि 28 kmpl टू 30 kmpl के आसपास माइलेज आराम से देता है, 6-speed गियर आता है, थोड़ी हैवी बाइक लगती है और 187 kg की बाइक है, 13 liter टैंक दिया है जो कि थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए था, 800 mm का जो है सिटिंग हाइट दे रखा है। अगर आपकी हाइट 5.5-5.6 है तो आप उसको आराम से राइड कर सकते हैं। एंड अगेन इसमें जो है अभी फीचर्स जो आ रहे हैं ना वो प्रीलोडेड आ रहे हैं जो कि बहुत ही सही है, इंजन का परफॉर्मेंस बहुत सही है। एंड दोस्तों थोड़ा टॉर्की इंजन है जो कि बहुत ही सही बात है, हल्का वाइब्रेशन जो है हाई स्पीड में देखने मिलती है। अगेन बिल्ड क्वालिटी को लेके थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है, अगर बजाज थोड़ा अपनी बिल्ड क्वालिटी को इंक्रीज कर देना तो ये जो है टॉप 2 में आ सकती है। ये बाइक जो है टूरिंग ट्रिपिंग के लिए बहुत ही सही बाइक है, मुझे बहुत ही सही लगता है, मैं इवन मैंने राइड भी किया हुआ है ये बाइक, बट अगेन थोड़ा सा वाइब्रेशन मेरे को भी फील हुआ। बट अगर नेगेटिव पॉइंट को साइड में रखें तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी इस बाइक में हैं जो कि इसको 5 number पे लाते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 मॉडल है। दोस्तों पर्सनली मुझे इसका कंफर्ट लेवल बहुत सही लगता है, इसमें टोटल 3 variants आते हैं, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। सुपरनोवा मुझे बहुत ही सही लगता है, इसके अंदर प्रीलोडेड बहुत सारे फीचर्स आते हैं। एंड दोस्तों 4.6 रेटिंग के साथ में ये मॉडल जो है 2,01,000 to 2,17,000 एक्शोरूम प्राइस में मिल जाता है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो 349 cc का इंजन है जो कि आपको 35 to 38 kmpl के आसपास माइलेज देता है, एंड 5-speed गियर है, अगेन 6-speed गियर जो है मिसिंग है, 6 gear होना चाहिए था, अगर होता तो अच्छा आपको क्रूजिंग में जो है अच्छी टॉप स्पीड जो है मिल पाती। एंड थोड़ी हैवी बाइक भी है, 191 kg की बाइक है, 15 liter का टैंक दिया है जो कि क्रूजिंग के टाइम पर बहुत सही है,
सिटिंग हाइट जो है थोड़ी लो दी हुई है जो कि 765 mm है। अगर आपकी हाइट 5.1 5.2 भी है तो भी आप इस बाइक को ईजिली कंफर्टेबली जो है राइड कर सकते हैं। ये वुमेन राइडर्स के लिए भी है और शॉर्ट जो मैन है ना उनके लिए भी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। इस बाइक का हैंडलिंग कंट्रोलिंग कंफर्ट एक नंबर है। मैंने इसको पर्सनली राइड किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड इंजन जो है इसका मिड टॉर्क बहुत ही सही है, ट्रिपल नेविगेशन फीचर दिया हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट राइड में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंड दोस्तों आपको इसको सिटी या फिर हाईवे दोनों पे आराम से चला सकते हैं। एंड अगर इसकी ये तो पॉजिटिव बात हुई, अभी नेगेटिव अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जो है हाई एंड मतलब हाई क्रूजिंग स्पीड जो है थोड़ा ऐसा लगता है कि फिफ्थ गियर पे थोड़ा बाइक जो है हाई स्पीड मतलब अबव 100 जाने पे स्ट्रगल करती है। थोड़ा सा अगर सिक्स गियर दिया जाता तो अच्छा जो है आपको स्पीड रेंज मिल जाती। एंड दोस्तों थोड़ा एक्सपेंसिव जो है इस बाइक को कहा गया, अभी रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है आपको मालूम है धीरे धीरे कॉस्टली होती जा रही है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड जो कि टॉप वेरिएंट है थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, बट इस मॉडल में कलर वेरियंट्स बहुत ही सही जो है वो बनाए हुए हैं। दोस्तों नंबर थ्री पे है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650cc मॉडल। एंड दोस्तों पर्सनली इस मॉडल को मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो है रॉयल एनफील्ड ने अभी इसमें डाला हुआ है। एंड दोस्तों इसमें टोटल थ्री कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं 2.85 lakhs टू 3.09 lakhs के आसपास में इसका एक्चुअल प्राइस है। 4.6 यूज़र रिव्यू के साथ में यूज़र रेटिंग के साथ में इसका इंजन की अगर बात करें 648cc का इंजन आता है, 24 to 26 km के आसपास आराम से माइलेज दे देती है। 6-speed गियर है, बहुत ही सही इंजन रिफाइनमेंट है, टोटल रिस्पांस कभी भी आपको कम नहीं लगता है, बट थोड़ी हैवी बाइक जो है ये लगती है। अगेन 650cc इंजन है, थोड़ा हैवीनेस तो आपको देखेगा ही। 202 kg की बाइक है, 13.7 liters का इंजन टैंक दिया हुआ है, फ्यूल टैंक दिया हुआ है। अगेन 15 liters का टैंक इसमें एक्सपेक्टेड था, बट टैंक जो है साइज 13.7 वो थोड़ा सा लो कम लगता है। मैंने लद्दाख में इसको राइड किया हुआ है, पर्सनली थोड़ा सा आपको बार बार फिलिंग जो है पेट्रोल फिलिंग जो है वो करनी पड़ती है। 804 mm का सिटिंग हाइट है, अगर आपकी हाइट 5.6 प्लस है तो आप इसको आराम से सिटी में हैंडल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर गुड थिंग की बात किया जाए तो अगेन इंजन जो है वो बेस्ट इंजन दिया हुआ है रॉयल एनफील्ड का। एंड सिटिंग पोस्चर अगेन मेरे को थोड़ा डिसकंफर्ट फील होता है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सीट जो है वो नहीं दी हुई है, बट हाँ पोस्चर जो है सिटिंग पोस्चर कंपेयर टू GT बहुत ही सही है। एंड कलर वेरियंट्स कलर्स ऑप्शन जो हैं वो भी बहुत सही है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर अगेन अपग्रेड करना चाहिए था, थोड़ी बाइक हैवी है और थोड़ा बिल्ड क्वालिटी पे हल्का सा रॉयल एनफील्ड को और वर्क करना चाहिए। इंजन बेस्ट है, बिल्ड क्वालिटी जो बाकी चेसिस फ्रेम्स ये सब हैं उस पर थोड़ा रॉयल एनफील्ड अगर वर्क करते तो ये बेस्ट मॉडल जो है वो बन सकता है। दोस्तों नंबर टू पे है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। एंड हिमालयन को भी बहुत सारे राइडर जो हैं पसंद करते हैं एंड इसकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है हिमालयन की। एंड दोस्तों इसमें टोटल थ्री कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, 2.14 lakh टू 2.22 lakhs के आसपास बढ़ जाता है। 4.5 रेटिंग के साथ में दोस्तों अगर इसके इंजन पावर की बात की जाए, 411cc का इंजन है जो कि आपको 30 kmpl टू 32 kmpl के आसपास माइलेज देता है। 5-speed गियर है, थोड़ी हैवी बाइक है, 199 kg की जो है बाइक है, 15 लीटर्स का डिसेंट टैंक साइज कैपेसिटी दे रखा है। एंड 800 mm का जो है सिटिंग हाइट है, अगर आपकी हाइट 5.6 प्लस है तो आप इसको डिसेंटली जो है राइड कर सकते हैं। एंड दोस्तों इंजन का जो टॉर्क है वो बहुत ही सही है, बट अगेन इसमें भी 6th गियर देना चाहिए था, बट हाल फिलहाल में बात भी आ रही है कि रॉयल एनफील्ड जो है 650cc मॉडल जो है ला रहा है, तो अगर वो मॉडल आता है तो लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, अगर आपकी हाईवे राइड ज़्यादा आती है एंड अगर आप लॉन्ग शॉट राइड करते हैं तो इस बाइक को टोटली कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट जो है इस बाइक की परफॉर्मेंस आपको हाईवे पे डिसेंट मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें राइडर्स जो यूज़र्स हैं वो बोलते हैं इसमें किक मिसिंग है, बट मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड जो सिटिंग हाइट है, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आप कंफर्टेबली इसको राइड नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें कोई भी फीचर जो है मिसिंग नहीं है, आप इसको डे टू डे यूज़ में जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रिपल नेविगेशन फीचर जो है वो भी ऐड कर दिया गया है, जिससे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है आपको ऑन गो मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनली नंबर वन पे है KTM 390 एडवेंचर मॉडल। एंड दोस्तों इस मॉडल का अलग ही फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग जो टूरिंग ट्रिपिंग करते हैं उनको KTM 390 एडवेंचर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें दोस्तों सिंगल वेरिएंट आता है, 3.28 lakhs का एक्चुअल प्राइस है। एंड दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सही है ना तो ये बाइक बहुत ही सही है, आपकी टूरिंग ट्रिपिंग को एक अच्छा जो है एड ऑन देती है। एंड दोस्तों इसका सर्विस नेटवर्क भी बहुत ही सही है। इसका जो इंजन है वो आता है दोस्तों 373cc का इंजन आता है, 28 to 30 kmpl के माइलेज देती है। 6-speed गियर है, लाइट वेट बाइक है, मतलब
163 kg की बाइक है, 14.5 लीटर का टैंक दिया है जो कि अगेन डिसेंट है, बट इसकी सिटिंग हाइट थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों। अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इसकी जो सिटिंग हाइट होती है वो है 855 mm। अगर आपकी हाइट 5.7 प्लस है तो आप इसको इजीली कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, सिटी में इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड ये बाइक फुल्ली लोडेड है, अगर आप टूरिंग ट्रिपिंग का प्लान कर रहे हैं तो इसको जरूर कंसिडर करिए। इस प्राइस रेंज में इतने सारे जो फीचर्स जो KTM दे रही है, आई डोंट थिंक कि दूसरी कोई बाइक दे रही है। एंड दोस्तों साथ ही साथ इसके अंदर जो है TCS एंड ABS प्री लोडेड मिल जाता है आपको। एंड अगेन थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं इसकी कि लो एंड टॉर्क जो थोड़ा सा मिसिंग होता है, थोड़ा इंजन जो है थोड़ा सा लो एंड टॉर्क पे जो है आपको उतना प्रॉपरली परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, बट मैंने पर्सनली राइड करके वैसा फील बिल्कुल नहीं किया। जितने भी यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हैं इसको 4.8 रेटिंग दिया हुआ है, मतलब अगर बजट फ्रेंडली बाइक, अगर आप टूरिंग बाइक अगर आप देख रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट राइड के लिए बाइक देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देती है। एंड आई होप आपको ये टॉप 10 लिस्ट पसंद आई हो दोस्तों। एंड दोस्तों क्या है आपकी टॉप 10 लिस्ट जरूर मुझे बताइए। अगर आप किसी नंबर्स को आगे पीछे करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों यहां वीडियो को एंड करते हैं, आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट आई थिंक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों यहां वीडियो को एंड करते हैं, बाय।